कॉलेज स्टूडेंट है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनेशन कैसा आया था। सो व्हाट्स योर गुड नेम? अनन्या। अनन्या, अच्छा अगर हम बात करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो तीनों में से कौन सा पोर्शन ईजी रहा, कौन सा मॉडल, कौन सा डिफिकल्ट? ईजी तो इसमें कोई नहीं बोलूंगा मैं, बट सब एनसीईआरटी लेवल आया था और मैथ्स थोड़ा टफ था। मैथ थोड़ा टफ था। अच्छा अभी तक मैं ये कहा जा रहा है कि जो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो फार्मूला बेस्ड ही आ रहे हैं, तो क्या ऐसा इस बार भी देखने को मिला? हाँ, अगर आपने फार्मूला की प्रैक्टिस करी है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आप बस फार्मूला याद करके आए हो तो नहीं होगा, बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है सर। अच्छा केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में हमारा तीन पोर्शन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो इन तीनों पोर्शन में से कौन सा पोर्शन ईजी, कौन सा मॉडल, कौन सा डिफिकल्ट, और किस नंबर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे? तीनों के बैलेंस क्वेश्चन थे, और फिजिकल के और इनऑर्गेनिक के काफ़ी आसान आए थे, ऑर्गेनिक थोड़ा ईजी था बट वो एप्लीकेशन बेस्ड था। अच्छा केमिस्ट्री में जो हमारे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस चैप्टर से था, कुछ पता है आपको? फिजिकल केमिस्ट्री, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा और मैथ्स की अगर हम बात करेंगे तो मैथ्स में जो बोल रहे हैं डिफिकल्ट है, तो उसमें क्या रीज़न है कि लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं या मल्टीपल कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं? लेंदी बहुत थे क्वेश्चन, बेसिकली एक क्वेश्चन में आप देखोगे तो 3 से 4 फॉर्मूला लग ही रहे थे एंड 1.5 पेज की कैलकुलेशन हो रही थी। अच्छा कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में जो है वो कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर बताना चाहोगे जिससे नंबर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया वैसे? हाँ मैं बोलूँगा कि कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइंस अच्छे से पढ़ के आइएगा और मिक्स क्वेश्चंस करके आइएगा। जब क्लास 12th में हो या ड्रॉपर हो? 12th में। 12th में हो तो अभी जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने किया था? हाँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अभी में क्या डिफरेंस देखने को मिला, कौन सा ज़्यादा ईजी था, कौन सा था? प्रीवियस ईयर मेरे को थोड़े ईजी लगे आज के पेपर से कम्पेयर्ड, बट तब भी मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं था कि आप कर नहीं पाओगे। प्रीवियस ईयर अगर आप कर चुके हो, आपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, फार्मूला फॉलो पता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी इस पेपर में। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है? 70। मार्क्स कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? मार्क्स अभी मैं इतना सोचा नहीं हूँ। ड्रीम कॉलेज बताना चाहोगे? हाँ ड्रीम कॉलेज अपना बताना चाहोगे? IIT बॉम्बे। ओके ऑल दी बेस्ट।